नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में क्रशर संचालन के लिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय के द्वारा अहम फैसला सुनाया गया है, जिसमें इसी यानी दिया द्वारा जारी किए गए पर्यावरण के प्रमाण पर रोक लगा दी गई है। इसके बाद से रीवा जिला सहित पूरे मध्य प्रदेश में दिया द्वारा जारी किए गए पर्यावरण प्रमाण पत्र की मान्यता समाप्त हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्देश जारी किया कि दिया द्वारा जारी किए गए पर्यावरण प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं होगी। यही नहीं, दिया को यह निर्देश भी दिए गए कि 15 दिवस के अंदर दिया के द्वारा जितने क्रशरों को भी पर्यावरण मंजूरी दिए गए हैं, उन सभी को अमान्य करते हुए शून्य घोषित कर दिया जाए। न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए समाजसेवी एडवोकेट बीके माला ने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में रोक लगने के बावजूद रीवा जिले में अवैध रूप से क्रशर संचालित हो रहे हैं और भंडारण की अनुमति दी जा रही है, जबकि लीज समाप्त हो चुकी है, तो फिर पत्थर कहां से आ रहे हैं और भंडारण की अनुमति कैसे मिल रही है, यह एक बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष हमने एक पिटीशन जो फाइल की थी, उसी पिटीशन के परिप्रेक्ष्य में 13 को आदेश हुआ है। 13/9/2023 को एक आदेश जारी माननीय न्यायालय द्वारा किया गया है। उस न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अधिकांश कृषि यूनिट जो दिया के संस्था द्वारा जारी थी, अनुमति प्राप्त थी, उसको माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। और माननीय न्यायालय ने कहा है कि जो पर्यावरण मंजूरी दिया की संस्था के द्वारा प्रदान की गई थी वो अमान्य की जाती हैं। अब इसकी मंजूरी सिया से जिसके पास होगी उसी की मंजूरी मान्य होगी। साथ में माननीय न्यायालय ने ये भी कोट किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दीपक कुमार वर्सेज हरियाणा राज्य के मामले में निर्धारित किया गया है कि पर्यावरण मंजूरी करने का अधिकार दिया को नहीं है, अतः दिया द्वारा पर्यावरण मंजूरी मान्य नहीं होगी। साथ में दीपक कुमार वर्सेज हरियाणा राज्य के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है कि दिया द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी मान्य नहीं होगी, और साथ में पर्यावरण के संदर्भ में जो पूर्व से मंजूरी थी वो समस्त मंजूरी निरस्त कर दी जाएगी। साथ में जिनकी लीज थी वो लीज भी निरस्त कर दी गई है। 2.5 हेक्टेयर की जो लीजें थी वो निरस्त कर दी गई हैं। साथ में रीवा की जो हमने पिटीशन फाइल की थी जिसके संदर्भ में इनके क्रशर सीज हो गए थे, उन क्रशरों को लेकर यह याचिका न्यायालय में मंजूरी के लिए गए थे, जिनकी पिटीशन खारिज कर दी गई है। माननीय न्यायालय ने यह भी माना है कि नियम विरुद्ध तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, जो NGT के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, बिना इंक्वायरी के, बिना जांच के किसी प्रकार की अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए। फिर प्रतिवादी द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि उनके कृषि यूनिट के पर्यावरण एवं अन्य विभाग के प्रस्ताव पर बंद कर दिया गया है, उसे पुनः बहाल किया जाए, जिस पर राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा कृषि यूनिट के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है, यानी निरस्त कर दिया गया है, उनकी पिटीशन खारिज हो गई है। न्यायालय ने यह भी माना है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समक्ष पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि 15 दिन के भीतर सिया द्वारा जारी कार्रवाई करें, सिया की रिपोर्ट पर ही इनको अनुमति मिलनी चाहिए, यानी जो दिया संस्था द्वारा अनुमति दी जाती थी वह निरस्त करके सिया संस्था की अनुमति के अनुसार ही क्रशर अब संचालित होंगे। यह रेगुलेशन समूचे मध्य प्रदेश के लिए भी लागू होगा, और रीवा में विशेष तौर से जो रीवा में हमने याचिका दायर की थी, तो जो वर्तमान में क्रशर अभी राजस्व अधिकारी की अनुमति से चालू कर दिए गए थे वो भी निरस्त कर दिए गए हैं, उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। तो ऐसी स्थिति में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो भंडारण की अनुमति दी जा रही है वह नियम विरुद्ध है, इसलिए कि जब लीज ही नहीं है तो भंडारण की किस बात की अनुमति। तो अभी एक भंडारण की अनुमति कलेक्टर महोदय द्वारा जारी की गई है, बहुत सारे भंडारण की अनुमति के प्रकरण माननीय कलेक्टर रीवा के यहाँ विचाराधीन है। और खनिज विभाग को यह भी ध्यान देना होगा कि NGT के 13/9/2023 को आदेश जारी होने के बाद आज दिनांक तक संबंधित क्रशरों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। साथ में नियम विरुद्ध तरीके से जो विद्युत विच्छेद की कार्रवाई की गई है उस पर वो अवैध तरीके से आज भी संचालित कर रहे हैं, और बिजली विच्छेद विभाग द्वारा करने के बाद दोबारा लाइट यदि जोड़ी जा रही है तो पर्यावरण अधिकारी
खनिज डिपार्टमेंट के अधिकारी, राजस्व अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या माननीय न्यायालय क्या आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, तो इस संदर्भ में माननीय न्यायालय ने 13/9/2023 को एक आदेश जारी किया जो अब जारी हुआ है, जो पटल पे आ चुका है, जिसकी सुनवाई 5 तारीख को अगली पेजी फिर लगी हुई।